क्या भारत का संविधान ये कहता है कि जबरदस्ती लोगों को भगवान कहना पड़ेगा? कहीं लिखा है कानून, किसी जगह लिखा है कि तुम ये कहो कि भगवान है? कहीं नहीं लिखा है। और मैंने 50 साल तक इस भारत की धरती पर कहा ये सारे देवता नपुंसक है, इनमें एक भी देवता सही नहीं, सब बेकार, सब निकम्मे, सब नालायक है। अभी लॉकडाउन आया कि नहीं आया? लॉकडाउन में एक भी देवता नजर आया? सारे के सारे मंदिरों में घुस गए, यहां तक कि सृष्टि का जो मालिक था उसके पास भी जाने के लिए लोगों को मांस बांधना पड़ता। क्या तुमने कभी किसी देवी के मुंह पे मांस देखा? तुमने कहीं देवता के मुंह पे मांस देखा? यानी आदमी के मुंह पे मुसीबा लगा दिया, देवताओं के मुंह पर कहीं भी मुसीबा नहीं लगाया। ऐसा क्यों कि हमारे देश में तो फिजिशियन यानी ऑपरेट करने वाले डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बहुत वर्ष पहले ही सर्जरी की। हमारे देश के देवी देवताओं ने बहुत पहले सर्जरी की। जब शंकर के बेटे की गर्दन जब उड़ा दी गई तो हाथी का सिर उनके ऊपर लगा दिया। ये बात सही है कि नहीं? मेरी गहरा प्रधानमंत्री ने भी कहा है, लेकिन 2500 वर्ष में अगर किसी भी आदमी की गर्दन पर चूहे का सिर लगा दिया जाता, बंदर का सिर लगा दिया जाता, किसी भैंसे का सिर लगा दिया जाता, किसी घोड़े का सिर लगा दिया जाता, तो मैं ये मान लेता कि वो सर्जरी पहले सही थी। कच्ची सड़क पर यानी रेत में अगर कोई ऊंट निकल जाए तो कोई आदमी बता देगा ऊंट गया है इधर से? नहीं बता देगा। अगर चिड़िया निकल जाए तो बता देगा, सर्प निकल जाए तो बता देगा, घोड़ा निकल जाए तो बता देगा, बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन अगर उसी रास्ते पर होके कोई आदमी निकल जाए तो मुझे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी शंकराचार्य, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि इस सड़क पे होके ये जो पैर बना हुआ है ये चमार का है कि छत्री का है कि बनिया का है कि शूद्र का है, किसका है? ये कहेगा आदमी का है। जब आदमी का पैर है तो जात कहां से आता है? आज हम सभी भक्तगण डॉक्टर अंबेडकर भवन में द्वितीय संगीत के अंतर्गत भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों से आए। ये वर्षा का समय है और वर्षा के समय में कई भिक्षु जो आने वाले थे, किसी ने बताया भीग गया, 15 बोरी सीमेंट की लेके आ रहा था वो भी भीग गई, कोई ये कह रहा कि टिकट बुक कराई थी गाड़ी निकल गई। अब वो सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है इसका जय भीम मिशन जो संस्था है जिसके संरक्षक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। प्रथम संगीति उनके निवास पर हुई थी। सब्जेक्ट है भारत की धरती पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना। इसमें विचार रखने के लिए कुछ भिक्षुओं को आमंत्रित किया, कुछ उपासकों को आमंत्रित किया, उन्होंने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी। मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे करीब 25-30 वर्ष पहले लीवर एब्सेस हुआ था और वो इलाहाबाद की जो पानी की टंकी है उसका पानी जब पिया, क्योंकि रेलवे की टंकियां बहुत कम साफ होती हैं, काफी समय हो जाता है उन्हें, बोध गया में जाके विवाद हुआ। लौट करके जब आया तो ये बाली नर्सिंग होम जो है आपके करौल बाग में ही कुमार सेन बौद्ध के यहाँ से मैं वहाँ एडमिट हुआ और उन्होंने करीब 500 ग्राम पस लीवर से निकाला। तो उस समय ये कहा था मुझसे कि आप जब कभी भी पानी पिए तो उबाल के पीना या बिछड़ी पानी पीना।
तो जब कार्यक्रम होते थे, सोलापुर में कार्यक्रम था, तो आयोजक ने 2-3 बोतल लाके मेरे सामने रख दी। तो बंदे लोगों को लगा कोई खास बात होगी, तो इनके लिए ये बोतल रखी है। आपने देखा होगा, जैसे आज भी पानी रखा, तसल्ली नहीं है, यही से उठा लो। ये कौन से नवाब है, ये भी पानी पिएंगे, हम भी पिएंगे, ये नहीं पी रहे तो हम पी लेंगे। वो भद्दे लोगों ने बोला, तुम पानी क्यों पियोगे बिसलरी। मैंने आयोजकों से कहा, हर भद्दे के लिए आप 2-2 बोतल ला के जा सकते, 100-200 भिक्षुओं के लिए, 250 करीब भिक्षु होंगे, उनके लिए पानी मंगाया गया। और जब दान बंटवाया, दान, तो वहां 16 पूरी चादर प्रत्येक भत्ते के लिए देने के लिए उनको बोला, उसके साथ में अर्थदान। तो एक एक ने 4-4, 5-5 चादर खींची और नीचे दबा के रख ली और हाथ ऊपर से कर देंगे, एक चादर हमको दो, एक चादर हमको दो। भत्ते लोगों को यह पता नहीं था कि ये कार्यक्रम जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा, पूरे सोलापुर के लोग घर घर में देख रहे थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जिन भिक्षुओं के लिए हम बच्चे बोलते हैं इनकी पूजा करो, भिक्षु आदर्शवादी है, वंदना में आता है, आहुने यो पाहुने यो दखने यो अजल करणी अनतरंग कुंज के तक लोक साथी, ये आदर करने योग्य है, ये पूजा करने योग्य है, ये दान देने योग्य है, ऐसे आदर्शवादी भिक्षुओं की पूजा होनी चाहिए। और जब वही एक दूसरे की टांग पकड़ करके खड़े होके एक दूसरे को गाली दे के तू ऐसा, कि तू ऐसा, कि तू ऐसा है, तो उपासक सोचते हैं ये है हमारे धम्म गुरु, जो कि आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण भारत की धरती पे करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या आदर्श बौद्ध समाज बनेगा, क्या सोचो आप। इससे पहले बाबा साहब की दीक्षा के बाद, आपका नजरिया क्या, मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को जो दीक्षा ली नागपुर की भूमि पर, उसके बाद जितने भी दीक्षा समारोह भारत की धरती पर हुए, सब फ्लॉप हुए, इल्लीगल हुए, असंवैधानिक हुए, कोई भी उनमें से लीगल नहीं था। आप कहेंगे क्यों, ये बोल सकते हैं ना कि ये इल्लीगल कैसे थे। लीगल में ये बात है, आप जितने भी हैं सब हिंदू हैं, संविधान के प्रारंभ में भी लिखा हुआ है। बहुतों पर एक बात छिड़ती थी, जब बुद्ध के आंदोलन चल रहा था, पेपर की हेडिंग लाइन आती थी, अब हुआ हर जगह बौद्धों का आगमन, अब हुआ नागपुरिया नव बौद्धों का आगमन। तो पत्रकारों से मैं पूछता था, हाउ डू यू से दीज आर बिलोंग टू जो है सिंगल कास्ट कम्युनिटी और ए हरजन बौद्ध जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू और ओल्ड बुद्धिस्ट। क्या कल कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो क्या उसको नी हिंदू कहा जाएगा, या कोई हिंदू कल मुसलमान हो जाए तो क्या उसको नी मुस्लिम कहा जाएगा। भारत सरकार से जब जवाब मांगा तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल। यानी जो बौद्ध है, चाहे आज बना है, चाहे कल बना है, चाहे पहले का है, वो सब समान है, कोई नव बौद्ध नहीं है, कोई पुराना बौद्ध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, बाबा साहब ने समता सैनिक दल दिया, बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा दी, बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे देश के लोग बोलते हैं। क्या भारतीय बौद्ध महासभा ने भारत की धरती पर बौद्ध बनु अभियान चलाया, चलाना चाहिए ना। वो क्यों भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे, मैंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अब मुझे या मेरे लोगों को बौद्धों के फट्टा मीटर की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन क्या भारत की धरती पर किसी भी राजनीतिक नेता ने या किसी भी संस्था ने
भारत के बौद्धों की फंडामेंटल लड़ाई लड़ी? क्या बौद्धों के मौलिक अधिकार की मांग की? क्या बुद्धिस्ट मार्ग लाभ बनाने की मांग की? नहीं की। और आप कहेंगे कि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं दे आर नॉट बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं है। और जब वो बुद्धिस्ट नहीं है तो एक नॉन बुद्धिस्ट आदमी बुद्धिस्ट फंडामेंटल की बात कैसे कह सकता है? अगर वो कहेगा, कोर्ट में जाके कहेगा, तो कोर्ट उसके पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा। और ये कहेगा आर यू बुद्धिस्ट, बोलेगा नो नो नो, तो पहले आप बुद्धिस्ट हो जाओ, उसके बाद इधर आना। अब बौद्धों की क्या लीगलिटी है? एक फॉर्म भरा जाता है, एफिडेविट बयान दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है मैं स्वेच्छा से बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, होश हवास में जान बूझ करके फला धर्म को छोड़कर फला धर्म में जा रहा हूं। उसे कोई भी दुनिया की कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा में विश्वास नहीं करता, मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं करूंगा इसकी पूजा। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि जबरदस्ती लोगों को भगवान कहना पड़ेगा? कहीं लिखा है कानून में, किसी जगह लिखा है कि तुम ये कहो कि भगवान है? कहीं नहीं लिखा है। और मैंने 50 साल तक इस भारत की धरती पर कहा ये सारे देवता नपुंसक है, इनमें एक भी देवता सही नहीं, सब बेकार, सब निकम्मे, सब नालायक है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए अभी लॉकडाउन आया, आया कि नहीं आया? लॉकडाउन में एक भी देवता नजर आया? सारे के सारे मंदिरों में घुस गए, यहां तक कि सृष्टि का जो मालिक था उसके पास भी जाने के लिए लोगों को मांस बांधना पड़ता। क्या तुमने कभी किसी देवी के मुंह पे मांस देखा? तुमने कहीं देवता के मुंह पे मांस देखा? यानी आदमी के मुंह पे मुसीबा लगा दिया, देवताओं के ऊपर कहीं भी मुसीबा नहीं लगाया, ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। हमारे बहुत सारे भद्दे लोगों को डर लगता है, हम बोलेंगे भद्दे प्रज्ञाशील, गुजरात का प्रज्ञानंद भद्दे यहां बैठा है। कभी कोई दीक्षा हुई थी जब 22 प्रतिज्ञा प्रज्ञाशील ने दी थी तो उसके ऊपर FIR हुई या नहीं हुई? ये देखो पीछे बैठा बता रहा, FIR हुई। और उसने गुजरात से मुझको फोन किया, भद्दे जी मेरे खिलाफ तो FIR हो गई। हमने कहा तुम तो बड़े विद्वान हो, अब तुम्हें डर लग रहा है कि FIR हो गई? ये तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो प्रदान की थी उनको आज तक भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि ये सब इलीगल है, ये 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होनी चाहिए, इनको तो छोड़ो। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ये कहा ईश्वर नहीं है और जो लोग मानते वो मूर्ख है और जिन लोगों ने विश्वास किया वो महामूर्ख है। लोगों ने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, ये जो इनकी समाधि पे लिखा है ये हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा क्या तुमने ईश्वर देखा है तो दिखाओ, उसको कोर्ट में हाजिर करो, कहां पर है वो, आता क्यों नहीं है, कौन सी भाषा बोलता है, कहां रहता है, किस मकान में रहता है, कितने लोग रहते हैं, कौन सी उसकी भाषा है। तो किसी ने भी उनके प्रत्युत्तर को नहीं दिया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है अगर मैंने गलत किया है, यदि मैं अंदर से गलत हूं, मैं अंदर से भ्रष्ट हूं, मैं अंदर से बदमाश हूं, मैं अंदर से बेईमान हूं, तो मैं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर के प्रार्थना करूंगा हे परमात्मा मैंने गलती की है मुझे तू माफ करना। लेकिन मैं ये कहता हूं तू कहीं भी सृष्टि का रचयिता अगर बैठा हुआ है तो मैं जब भी मर के तेरे पास आऊं तो स्वर्ग में नहीं, तू मुझ में नरक को भेजने में काम करना, मैं नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? स्वर्ग में तो लोग बहुत कम है, नरक में ज्यादा है ना। तो मैं नरकवासियों से कहूंगा एक एक डंडा उठाओ और स्वर्गवासियों की खोपड़ी पर बजाओ, इनको बाहर निकालो, तुम समंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठने के ठेकेदार नहीं।
फर्क ये है, हम कबीर भी नहीं बन पाए, हम सूर भी नहीं बन पाए, हम तुलसी भी नहीं बन पाए, हम वीर भी नहीं बन पाए, हम यार से भी नहीं बन पाए, हम फकीर भी नहीं बन पाए। हमको कहीं न कहीं डर लगता है, कहीं न कहीं हम भयभीत हैं, क्योंकि चरित्र हमारा खत्म हो गया है, चरित्र हमारे पास है नहीं। ढोने का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरों को जलील करने के लिए ढोंग रचते हैं। आवश्यकता जो है सील पर चढ़कर अपने चरित्र का निर्माण करने की है, और ये बुद्ध में था, इसलिए सारे विश्व के लोग उसके सामने झुक गए। आज के इन भिक्षुओं को जब मैं देखता हूं तो क्या कारण था, तथागत बुद्ध जहां से गुजरते थे तो बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार, बड़े बड़े राजाओं के बेटे उनका जो है शिष्य बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज अभी चर्चा हो रही है नरिया, कुछ समय के बाद बंदे जब मर जाएंगे तो आगे बनते नहीं रहेंगे, और मैं ये सोचता हूं हो सकता है इससे ज्यादा बनते हो, क्योंकि जब एक में नहीं था तब हजार दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनके मरने के बाद और ज्यादा बन जाए। ये तुमने भविष्य देखा नहीं है, मैंने भविष्य देखा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, जब भी मिशन वालों से अगर वो ये चाहते हैं कि भिक्षु महासंघ या भिक्षु महासंघ भी छोड़ो, भिक्षु संघ भारत का भिक्षु किसी भी कोने में हो, उसके नेतृत्व में दीक्षा जगह जगह होनी चाहिए, तो हमको भी जब भी मिशन की हर पल की घड़ी घड़ी की गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, उनका सीधा संपर्क हमसे होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट हमसे होना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि ये संख्या बहुत कम है, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं। जब प्रथम संकीर्ति हुई थी गौतम जी के निवास पर, तो तमाम बंदे लोगों ने निकलने के बाद मुझे गालियां दी और बोले या तो हमको किराया भी नहीं मिला, या तो हमको दान भी नहीं मिला। अभी भी जो बैठे हैं इनको मैंने बुलाया, आप कार्यक्रम में भाग लीजिए, कम से कम एक दिन का तो भाड़ा आपको मिलेगा। मैंने बोला कि नहीं बोला, बोला। आपसे बोला, मुझसे बोलोगे, बोला कि नहीं बोला, बोला। तेरा ध्यान अभी बोतल के ऊपर है कहां पे है? बोला ना, अब इनको जो भी दान मिले तो इन लोगों को ये विश्वास होगा कि जहां जहां कार्यक्रम होता है हमको दान मिलता है। लेकिन इसके बदले में एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, क्या अभी आपको दान नहीं मिलता? जितने बच्चे बैठे हैं हाथ खड़ा करके मुझे बता रहा, अभी आपको दान नहीं मिलता कहीं भी? अरे मुंह से बोलो ना, मिलता है ना। तो जब तन मन धन से समाज आपकी सेवा करता है, तन मन धन से समाज जब आपकी सेवा करता है, तो क्या आपको भी तन मन धन से समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। हमेशा हम इसी में रहने नहीं, दान मिलेगा तो आएंगे। और बंदे ये समाज के लोग ये कहते हैं, बंदे जी हमारे पास तो दान नहीं है, हम तो आपको बुलाएंगे नहीं, तब क्या करेंगे आप? मैं ईश्वरवादी लोगों से एक बात कहता हूं, जिस दिन दुनिया के लोग ईश्वर को मानना बंद कर दे कि भगवान नहीं है, तो भगवान के पास कोई तोप है जो ये कहे तुम क्यों नहीं मान रहे हो? अगर मुझको नहीं मानोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर चार सिंह बना दूंगा, तुम्हारे दो कान की जगह चार कान बना दूंगा, एक नाक की जगह दो नाक बना दूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहा करता, मैं किसी की किटिसाइज नहीं करता कभी भी, केवल फर्क की बात करता हूं। हमारे कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में तो फिजिशियन यानी ऑपरेट करने वाले डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बहुत वर्ष पहले ही सर्जरी की, हमारे देश के देवी देवता उन्हें बहुत पहले सर्जरी की। जब शंकर के बेटे की गर्दन जब उड़ा दी गई तो हाथी का सिर उनके ऊपर लगा दिया गया। ये बात सही है कि नहीं? मैंने कह रहा प्रधानमंत्री भी कहा है, लेकिन 2500 वर्ष में अगर किसी भी आदमी की गर्दन पर चूहे का सिर लगा दिया जाता, बंदर का सिर लगा दिया जाता, किसी भैंसे का सिर लगा दिया जाता, किसी घोड़े का सिर लगा दिया जाता, तो
तो मैं ये मान लेता कि वो सर्जरी पहले सही थी, अभी सर्जरी हुई कि नहीं हुई। ये सब चीजें जो हैं इस तरह की है जिनका हमारे पास उत्तर होना चाहिए। अगर हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, मैं घूमा, लोग पूछते हैं पापा जी कहां से आए हो, तो फला जगह से आए हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, ये नाम है, तो आपकी जाति कौन सी है, ये जाति है, आपका गोत कौन सा है, ये गोत है, अभी आप कहां जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये बताओ उनको, क्या तुमने ठेका ले रखा है इस बात का। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।